आज बॉम्बे पुडलेस आपको दिखाने वाला है पुडला। इनके पास अलग अलग तरह के पुडला मिलते हैं, ब्रेड पुडला, बटर पुडला। और ये रेस्टोरेंट जो है ये मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड है, जो मोहन भाई ने स्टार्ट किया था। ये देखिए अंकल, इन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले, और ये आज इतनी बड़ी रेस्टोरेंट खोल दिया है। और यहाँ पे साउथ बॉम्बे में ये लाला फास्ट फूड सेंटर काफ़ी मशहूर है। और इनके बाद आपको सबसे बेस्ट पार्ट जो है पुडला मिलेगा, एक दो दो तरह की है, ब्रेड और चिल्ला। तो आज मैं आपको इसका मेकिंग और रिव्यू दोनों दिखाऊंगा। तो अंकल, एक हमारे लिए ब्रेड पुडला और बटर पुडला। तो ये देखिए ब्रेड पुडला, इन्होंने ब्रेड लिया और ब्रेड को, ये पूरा बेसन का स्टफ है ना राइट सर, ये पूरा बेसन का मसालेदार स्टफ बना के इसमें ब्रेड भिगोते हैं और ये तवे में बना देते हैं। आप लोग देखोगे डोसे वाला तवा है। और ये देखिए, ये हमारा बाजू में इसकी बटर पुडला बनना रेडी हो गया। ये देखिए, और मैं एक बार ऑकवर्ड हो जाता हूँ, ये जो शेफ है इनके, ये द फाउंडर ऑफ मोहनलाल पुडला वाले के बेटे हैं और यही बना रहे खुद। ये देखिए, ये कैसे धनिया का गार्निशिंग किया है। अब बटर भी इसमें पड़ेगा, दिस इज बटर पुडला। ये बिल्कुल डोसे जैसे गोल गोल रहता है, बट डोसे के बदले ये अमूल का बटर है। ये इन्होंने डोसा के बदले बेसन का स्टफ यूज़ किया है। और ये ब्रेड पुडला है, बोल क्या रहा है, लेके जाओ ना, क्या चाहिए वो? इट्स काइंड ऑफ कटलेट ओनली। सो अभी देखो, मेरा पुडला बटर नॉर्मल पुडला जिसको चिल्ला भी बोलते हैं, ये आ चुका है बेसन का, और ये ब्रेड सैंडविच पुडला। और मैं बॉम्बे के काफ़ी मशहूर और काफ़ी पुरानी होटल में बैठा हूँ आज, दैट इज लाला फास्ट फूड मोहन भाई पुडला वाले। और मैं आपको उसको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। सबसे पहले तो हम ये वाला लेंगे। आप बेसिकली तीन तरह की चटनी है, एक दो तीन और कांदा। बिल्कुल सादा डोसा जैसा होता है ना वैसे ही, पर ये बेसन का है, टेस्ट काफ़ी नमकीन जैसा है, अच्छा लगा मुझे ये वाला। अब मैं आपको ब्रेड वाला टेस्ट करके दिखाता हूँ। इवन दिस इज नॉर्मल, तो बेसन से इन्होंने स्टफिंग किया है और कटलेट के जैसे ही है, और कटलेट में आलू रहता है, ये नॉर्मल है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक दिन बॉम्बे में 50 ईयर ओल्ड इस आउटलेट आपको विजिट करना चाहिए, और काफ़ी अच्छा है इनका स्टफ और यूनिक डिश भी है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी करना, और फेसबुक और यूट्यूब पर हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।